बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। कटक चंडी छकरो कॉलेज छात्र निखोज घटना, जोब्रा बैरेज निकट रु मृतदेह छाब, मृतदेह टी तुषारकांत साहूकर बोली स्पष्ट कला पुलिस, तदंत जारी। आज उत्तर प्रदेश पालुछि गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस, 15 कोटी रु अधिक हिताधिकारी को मोदी संबोधन, हिताधिकारी सीधासल कथा प्रधानमंत्री। मेरा मान मेरा राष्ट्र गान अभियान सामिल हेले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन अवसर में देशवासी को आह्वान, जातीय संगीत गाइबा परे वीडियो अपलोड करने को निवेदन। आवास दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार को ऊपर बरसिला बीजेपी, कहला प्रशासन साजिंट विजु जनता दल कर्मी, मोदी सरकार विपुल परिमाण घर पठाई बेले अयोग्य हाथ में टेक दि जाऊँगी घर, प्रेसमिट बरसिले राज्य सभापति समीर महांती। पुणि सीमांत माओतांडव, छत्तीसगढ़ दांतेवाड़े बड़ धरणर विस्फोरण, जवान को टार्गेट, खंजी आईजी शिकार हेले साधारण लोक, विस्फोरण में 12 आहत थिबा सूचना। ओएसएससी परीक्षा दुर्नीति प्रसंग में बरसिला कांग्रेस, कहला पदार पड़ा राज्य सरकार को स्वच्छता, दुर्नीतिर चेर क्योंठी अच्छी, ओडिशावासी को अंधार में न रखि स्पष्ट करंतु सरकार। एवं टोकियो रे इतिहास रचिला भारत, पुरुष हॉकी रे भारत को ब्रोंज, 5-4 रे जर्मनी को हराइला टीम इंडिया, हॉकी रे 1980 परे प्रथम थर पाई पदक जितला भारत। संपूर्ण खबर को आसीबा कटक चंडी छकरो कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू निखोज घटना, आज जोब्रा बैरेज निकट रु मृतदेह ठाब कर, जोब्रा निकट रु मृतदेह उद्धार कर ड्राफ टीम, घटनास्थल में पुलिस, निखोज छात्र पर लोक, अग्निशम टीम पहुंची अधिक तदंत कर, कौ परिस्थिति एत बड़ घटना घटला तार तदंत कर, मृतदेह मिली सत कि यह पक्ष हत्या करा जाई कि कहीं मृतदेह से जगह मिलला ना, यह निखोज परे जेहेतु मृतदेह मिली यह एक षड्यंत्र जहाँ छात्र विरोध में करमती तमाम प्रश्न सामना को आसुची। कटक चंडी छकरु कॉलेज छात्र तुषारकांत साहू निखोज घटना, जोब्रा बैरेज निकट रु मृतदेह ठाब कर, जोब्रा निकट रु मृतदेह उद्धार कर ड्राफ टीम, घटनास्थल में पुलिस, निखोज छात्र पर लोक, अग्निशम टीम पहुंची तदंत कर। बाबद अधिक सूचना पाई इमरान खान मो प्रतिनिधि फोन लाइन में जोड़ी होती। इमरान जना पड़ा कि जे क्यों परिस्थिति रे छात्र जनक निखोज होते कहीं अवस्था मृतदेह उद्धार कर। देखो स्मृति लग्न कटक चंडी छक रोकता खिष्ट महाविद्यालय युक्त दूर पड़ता छात्र तुषारकांत साहू को आज शब मृतदेह उधार होती कटक जोब्रा ब्यारेज निकट रूम जहाँकि पर लोकों अभोग रही तुषारकांत को हत्या कर दीजिए, प्रथम अपहरण करापर हत्या करा से अभोग करु घटनाटी हूँ गत 3 तारिख दिन 3 तारिख रात तुषारकांत घर निखोज थे और राति 8टा पर जब घर लोक फोन कले फोन स्विच अफ थी से कैंटेनमेंट थाना में निखोज होवर एतला देते थाना बाला जिते तदंत आरंभ करते तुषारकांत जो स्कूटी निकी घर जाते से स्कूटी मधुसूदन सेतु पाखे ठाब पुलिस ठाब करतापर सन्देह है कि बोध हुए से मधुसूदन सेतु महानदी के मतलब डेईं पड़ते पर दिन अर्थात गतकाली 4 तारिख दिन ओड्राफ टीम और अग्निशम बाहन टीम पूरापूरी भाव में उद्धार कार्य से लगे पड़ते तनाघना कले कितु कौन मात्र शब से मिल ना आज जेहतु तदंत पुणि आरंभ करा जोब्रा ब्यारेज जोब्रा ब्यारेज निकट में आसिक शब अटकी से उद्धार कार्य आरंभ कला ओड्राफ टीम और जो निखोज छात्र रही जहां मृतदेह ठाब कर सहित कहार पूर्व शत्रुता रही कि किसी कारण बा किसी षड्यंत्र यहाँ पक्ष थी पारे कि देखो स्मृति रत्न जिते बड़े आज मृतदेह उद्धार करवर्त अवस्था पुलिस तदन करती कितु अंपटे तुषारकांत जो पर लोक खास करपा भी से संगीन अभोग रही चारु 5 जन सांग अच्छा भितर 2 जन झील सांग अच्छा 3 जन पुओ सांग अच्छा तो से सामान कलेज से पाठ पढ़ती कितु कह कथा जे कि व्यक्तिगत मामला को लेकिन भितर पाटितुंड विभिन्न समय रोला कितु जो दिन से निखोज होते दिन पाटितुंड होता फोन
जगे स्टाडियम निकट को डक आसिकर कौन गोटे बच्चों सारा से सरी मांगे तुषारकांत को संपुक्त सांग मैंने फोन करते फोन करने तुषारकांत घर से स्टाडियम पाक जाते कि प्रकृत से सांग मानते संपुक्त अच्छी ना प्रकृत अपहरण करत्या कर भाव में बर्तमान अभियोग कर लोक यार पुंगानुपुख तदंत कर जो मैंने दोषी अच्छा से दंड देखें दावी करदि कौन मात्रा दोषी मैंने दंडित नए तो तुषार भौणी भाव आज चेतावनी जे से थाना सम्मुखें आसिक आत्महत्या करेंगे जेहतु यही घटना पक्षर अनेक रहस्य अनेक कारण रही है कहीं जेहतु जहाँ कहु कि तुषार किसी मानसिक चाप पका परवर्त अवस्था से अस्त व्यस्त मत हो घर जिते बड़े से बाहर की जाते तो ये कौटि ना कौटि अनेक सन्देह बर्तमान सृष्टि कर लोक जो कौन प्रथम पु को संपुक्त सांग मैंने जो छोटे नहीं अपहरण कर जे प्रथमे निखोज हे परवर्ती समय एभली अवस्था रे तांकर मृतदेह उद्धार करा जिवो एवं पूरा घटना रे कोठना कोठे सांग माने संप्रुक्ति थाई परंती ए संदेह आनिछंती परिवार लोक काहा को पचरा उचरा वर्तमान सुधा करा गला इमरान देखो तो लोकन आप प्रश्न पचारे नि जो दिन गत तीन तारीख दिन जिते रात तुषारकांत निखोज परवर्त अवस्था से कंटेनमेंट थाना यह देखते कि निखोज होती बोली जहाँ जहाँ से सन्देह सृष्टि करते सांग मैंने जी रोते जो मैंने सामान कलेज पढ़ते से डाक कंटेनमेंट थाना से पचराउचरा कर बर्तमान जहाँ सूचना मिली से पचराउचरा कर पचराउचरा कर छाड़ी कि बर्तमान जेहतु कंटेनमेंट थाना निखोज मामलें एतला दीगला जो जोबरा निकट जिते बड़े शब उधार से जगतपुर थाना एक यूडी केस अनडिक्लेयर डेथ केस इतला दी जाती तो जितने जदि आम देखा केवल निखोज होवार इतला दी जाता है जदि से अपहरण किंवा हत्या अभियोग पर लोक आनी जदि से इतला देवे पुलिस को पुलिस हत्या कि अपहरण होती मतलब तदंत पुणर आगे नब आरंभ कर कि बर्तमान सुधा जहाँ गोटे दिन स्पष्ट होती जो मान को सन्देह होता जो दिन से निखोज होते से ही दिन ही पुलिस परवर्ती मुहूर्त इमरान हमें फेरब आपण पाक बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना पाई। मेरा मान मेरा राष्ट्र गान अभियान रे शामिल हेले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन अवसर रे भारत सरकार का संस्कृति मंत्रणालय पक्षर आरंभ होता मेरा मान मेरा राष्ट्र गान अभियान रे शामिल होती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ए स्वतंत्र अभियान रे शामिल होगापी समस्त भाई भौणी को आह्वान करिसेंति धर्मेन्द्र राष्ट्रगान गायबापे निज वीडियो को www.rashtragaan.in रे अपलोड करने से आह्वान देते देश स्वतंत्रतार 75 वर्ष पालन करने जाऊँ अमृत महोत्सव पालन करने आम समस्ते प्रस्तुत यार अवसर रे भारत सरकार संस्कृति विभाग तरफ गोटी अभिनव जन आंदोलन आरंभ करा जाए राष्ट्रगान को देशर समस्त नागरिक गातु व्यक्तिगत भाव गातु टेक्नोलॉजी मध्यम www.rashtragaan.in मेरे मान राष्ट्रगान ए प्रकार एक जन आंदोलन आरंभ करा जाए मु आज भी निजे गायली टेक्नोलॉजी माध्यम अपलोड भी करली 14 अगस्त यार अंतिम तिथि अपलोड करिवारो 15 अगस्त दिन सामूहिक भावे देशर ए प्रकार एकत्रित होता समस्त व्यक्तिगत राष्ट्रगान रो स्वर को सामूहिक भाव देखा ये एक अभिनव जन आंदोलन परिणत होगा जाऊँगी मु भी आपन को अनुरोध करुच्ची समस्त ओडिया भाई भौणी मानकु निवेदन करुच्ची अमृत महोत्सव अवसर रे आम आसतु समस्ते मिसिकी www.rashtragaan.in वेबसाइट को जीवा अपलोड निजर राष्ट्रगान को करिबा अमृत महोत्सव को निरारा ढंग रे पालन करिबा आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस 15 कोटी ऊर्ध हिताधिकारी सहित आलोचना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार पक्षर राज्यव्यापी दिवस पालन करपत्ति कौन जड़े भी हिताधिकारी ए योजनार जमी वंचित नए से नहीं सचेतनता कार्यक्रम आरंभ हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्राय 15 कोटी हिताधिकारी मागणारे राशन सामग्री पाउछंती राज्यर प्राय 80,000 सुलभ मूल्य दुकान
ए योजना रे हिताधिकारी को खाद्य शस्य बंटन करा जाउची। आजरे कार्यक्रम रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ मध्य उपस्थित रहिथिले। कोरोना रे अनाथ पिलामानक पई स्वास्थ्य बीमा घोषणा करिसेंती मोदी सरकार। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर तंकर ट्वीट जरिया रे सूचना दिसेंती। केंद्र सरकार को घोषणा हिसाब रे महामारी हेतु अनाथ होई जायतिबा 18 वर्ष वयस पर्यंत पिलामानक 5 लाख टंका मागणा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री को नागरिक सहायता एवं जरूरीकालीन परिस्थिति रिलीफ पांठिरु ए बीमा प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री मोदी पिलांकर पई पीएम केयर्स योजना 29 मई 2021 रे आरंभ करथिले। जो योजना रे पिलांको अंतर्भुक्त करा जायछि जे माने कोरोना महामारी रे निजो परिवार तथा बापा मां को हराय छेंती से माने अंतर्भुक्त होय छेंती। आवास दुर्नीति को नहीं राज्य सरकार को ऊपर बरसिला बीजेपी। बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती आज सांबादिक सम्मेलन करिछंती। राज्य सरकार को सीधा सख टार्गेट करिछंती। बीजेपी रो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि दल भद्रक तिहिड़ी ब्लॉक रो कुबेरा पंचायत एवं भंडारी पोखरी ब्लॉक गस्त करथिले जोंठी आवास दुर्नीतिर छाप देखिबा को मिलछि। प्रधानमंत्री 2022 सुधा समस्तक मुंड ऊपर पक्का घर करबा पई स्वप्न देखिछंती। सेति पई ओडिसा को वर्तमान सुधा प्रधानमंत्री आवास योजना रे प्राय 30 लाख पक्का घर मध्य आसीछि। किंतु प्रकृत हिताधिकारी को घर मिली नाही। प्रशासन को ए बाबद रे बार बार जणाइबा परे मध्य साधारण लोक न्याय पाई पारु नाहंती। दुर्नीति को प्रतिरोध कले पुलिस नालिया कि देखाउछि ए अभिजोग आसी। 2022 सुधा समस्त पक्का घर पाइबे ए मिशन ने प्राय 30 लक्ष घर दे सारे। मोर राज्य सरकार को प्रश्न जे से भली जो कुबेर पंचायत जो योग्य हिताधिकारी मनमोहन नायक पिता परीक्षित नायक, विद्याधर बहली पिता विनोद बहली, विश्वनाथ बहली पिता परमानंद बहली, भागीरथी बारिक मनोरंजन कर, विश्वनाथ कर, ये केबे घर पाइबे एमानंकर मु सो चक्षुरे देखिकि आछि। गणमाध्यम सहित देखिकि आछि भंडारी पोखरी रे मध्य गोटे गोपालपुर पंचायत बाहाणिया ग्राम समाज रे अंतिम धाड़ी रे छिड़ा हेतिबा व्यक्ति विशेष तांग घर को मु निजे देखिकि आसिली। जोटी नित्यानंद जेना, कुना जेना, बामदेव जेना, यही आठ जन आठटी परिवार गण राति होता गणमाम प्रतिनिधि जड़े दिज मो सहित देखिं कौ स्थित लोक रही कहीं से दलित परिवार पाइबे ना घर कौन करुची प्रशासन से प्रशासन को ए बाबद जड़ेले आपण प्रशासन ए सीधा सड़क भाव ये विजु जनता दल प्रशासन सेठी साधारण लोक न्याय पाइबे ना। देखिबा आउ किछ खबर किंतु बुलेटिन रे समय छुट्टिया ब्रेक रो दुर्नीतिर चेर क्योंठी। स्टाफ सिलेक्शन सदस्य पीए बीरंची नारायण साहू को घर विपुल परिमाण संपत्ति जबत। तापर राज्य सरकार को स्वच्छता एवं पदार पड़ी ए अभियोग आनी राज्य कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन विधायक देवाशीष पटनायक एक सांबादिक सम्मेलन कर सरकार को उपरे बर्षि ए दुर्नीतिर चेर क्योंठी से प्रश्न पचारिशा लोकों अंधारे न रखे राज्य सरकार स्पष्ट करतु दावी कर ए बाबद अधिक आलोचना पई सीधा सड़क संतोष आम सहित जोड़ी होती। संतोष, राज्यवासी गोटे प्रश्न, दुर्नीति तो होता पदाक आसी किंतु चेर केते पर्यंत लंबी बड़ बड़िया केबे धरा पड़े? केवल जड़े तो पूरा घोटाला नाला एनेक बड़ बड़ मुंड भी सामिल अच्छा से माने सामना को आसबे कि ना अभिजोग लंबा तालिका बर्तमान समय विजिलेंस सेल को छुटवार लगी विजिलेंस सेल जो गोटे पर गोटे परीक्षार्थी भिड़ जमुची और से पूरा घटना को विस्तृत भाव कौन बर्तमान गोटे प्रतिक्रिया जो जे शिक्षार्थी बर्तमान परीक्षार्थी बर्तमान कह पूरा घटना के अभोग मुझा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन में 2013 मसीह सीपीएससी पुलिस एग्जामिशन देखी कमेन्ट पुलिस एग्जामिशन से परीक्षा होगा 16 मसीह परीक्षा है
କହିଲେ ଯେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ନାଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନାଁ କଲେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୋର ବେଶୀ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଇଗଲି କିନ୍ତୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ମଗେଇଲି, ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଲା ପରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଛଅ ସାତ ମାସ ପରେ ଦେଲେ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଲେ। ଦେଲାପରେ ସେ ଥରେ ମାଗିଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମାର୍କ, ଆଉ ଥରେ ମାଗିଲି କଟକ ମାର୍କ। ମାଗିଲା ପରେ ସେ କଟକ ମାର୍କ ଠୁ ମୋ ମାର୍କ ଦୁଇ ମାର୍କ ଅଧିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେଠୁ କୋର୍ଟରେ ସାର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ସାର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲାପରେ ସାର୍ଟରେ ସେଠୁ ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ସେ କାଉଣ୍ଟର୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଟ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 2018-19 ମସିହାରେ। ତାପରେ କେସ୍ ଗଲା ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଅଛି, କେସ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ? ମୋତେ ପଇସା, ମୋତେ ଜଣେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ଭାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ମୋତେ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କଂଗ୍ରେସ ସେନା, ସେ କମିଶନରେ ପୋଲିସରେ କନଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଇସା 5,00,000 ଦିଏ, ମୁଁ ତୋର କନଫର୍ମ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ମୋର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମଠୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ହଁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଯିବ ଆଉ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ସବୁ କରିଦେବି, ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବି। ସେ 5,00,000 ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ ଆଉ, ମୁଁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ 5,00,000 ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ 5,00,000 ଦେଇପାରିବିନି। ହଁ ବିରିଞ୍ଚି ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପୁରା ରିଲାଏବଲ୍ ଲୋକ, ସେ କରିଦେବେ ବିରିଞ୍ଚି ସାହୁ। ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଥିବେ ତା ଭିତରେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଏତିକି ନା ନା ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ନାଁ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଛି ମାନେ ସେ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମଟା କି କରପ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥିବେ ତା ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସିନା ଆସି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋତେ କଲ୍ ଫଲ୍ କିଛି କରିନଥିଲି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କଥା ହେଇଥିଲି ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଜଣେଇବି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କେମିତି ହେଉନି, ଇଏ ଏମିତି କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଛନ୍ତି, କରପ୍ଟେଡ୍ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଏପଟୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ। ସେମାନେ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ପଇସା କାରବାର ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଚାକିରି ହେଲାନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପାଖ ଗାଁ ପାଖ, ସେ ଜାଣିଗଲେ ସେ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ପିଲା, ତାଙ୍କର ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେପଟେ ଅଛି ନା, ସେ ଜାଣିଗଲେ। ହଁ ଆଶାୟୀ ଅଛି, ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ। ଆପଣ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଟଙ୍କା କାରବାର କଥା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଇବିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଟିଦେଲେ ମୋତେ, ତାପରେ ନଦେଲେ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ, ହଁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ତୋର ଚାକିରି ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ 2018 ମସିହାରୁ କେସ୍ କଲାଣି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ 20 ଜାଗାରେ ହେଲା, 20ରୁ ସେଠୁ ଆସିକି ହାଇକୋର୍ଟ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ଏବେ ସତ୍ୟଟା ବାହାରି ଆସିଲା ନା ତା ଭିତରୁ, ଜଣେ ଧରା ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ଆର୍ଟିଆଇ ମୋତେ ଆର୍ଟିଆଇ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଲି, ପିଆଇଓ ମନା କଲା ଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କଲେ ବି ଦେଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କଲେ କମିଶନ ଆର୍ଟିଆଇ କମିଶନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ତୁମେ ଦିଅ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଥାଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭଳିଆ ଥିବେ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବି ସେ ୱାଟସପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ କହୁଛି ଯେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ମାନଙ୍କର ବୟସ ଆମର ଅଛି ଏସ୍ଆଇରେ ଅଛି 21-25 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍, ଆଉ ମାର୍କ ମାନଙ୍କର 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା ଦେହରେ 50ଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରି, ଅନରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରିରେ ସେତିକି ବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ଏଜ୍ ନାହିଁ, ଏଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ କରିଛି, 25 କ୍ରସ୍ କରିଛି, ସେମାନେ SC/BC କାଟାଗୋରି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, ସେମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ହୁଏତ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବି, ସେମାନେ କେମିତି ଜେନେରାଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ? ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ରୁଲ୍ ବି ଅଛି ତା'ର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ବି ବିୟଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା, ଜାଣିଥିଲେ ଗାଁ ପାଖ କଥା ରହୁଛି, ତାର ଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି ନା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଥିଲା, ପୁଣି 11 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା, ପୁଣି 13 ମସିହାରେ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ସେ ଚାକିରିଟା ବି ପୋଲିସ ଚାକିରି, ସମସ୍ତେ ଆଶା ଟିକେ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ
କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲେ ତାର ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ଅଛି ନା ତାର ମାର୍କ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଲେ ବି ମାର୍କ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି କାଟିଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଆଇଲ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ କେବଳ ଏଥିରେ ଏକୁଟିଆ ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଏବଂ ପୁରା ରାକେଟକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ 5-4 ପରାସ୍ତ କରିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର 2 ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଏହାପରେ 17 ସିମରନଜିତ ସିଂ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏହାପରେ 24 ଏବଂ 25 ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ କିନ୍ତୁ 3-1 ପଛୁଆ ଥିବା ଭାରତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା 27 ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ 29 ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଉଭୟ 3-3 ମ୍ୟାଚ୍ ବରାବର ରହିଥିଲା ତେବେ 31 ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରୁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ରୁପିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ ଏଥିସହିତ ଭାରତ 4-3 ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା 34 ସିମରନଜିତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ 5-3 ଆଗୁଆ ରଖିଲେ 48 ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରିଛି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 5-4 ଆଣିଥିଲା 1980 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ହକିରେ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଫୋନ୍ କରି ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସହିତ ହକି ଦଳର କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଓ ଖେଳାଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए थैंक यू सर बिल्कुल सर थैंक यू सर थैंक यू सर मैं दे दूंगा सर जरूर सर हाँ जी सर है साथ में है सर जी सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीत आप उनसे बात करना है जी जी लीजिए हेलो सर आई हैव मेड यू प्राउड थैंक यू Thank you, sir. Fantastic, huh? It's so good to see. It's so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. Your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Thank you, sir. Yeah, definitely. Yeah. Yeah, that's good. Thank you. Bulletin ko ei rakhiba. Namaskar.